चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले वाला एक्सटेंशन आता है हमारा, जिसका नाम है vidIQ। तो vidIQ बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है सभी यूट्यूबर्स के लिए स्पेशली। तो vidIQ कैसे काम करता है चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे vidIQ ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ। तो ये मैंने एक वीडियो ओपन कर दी मेरी, और वीडियो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते कि वीडियो में मैंने कौन कौन से टैग्स यूज किए हुए है और मेरी वीडियो की रैंकिंग क्या चल रही है, यानी चैनल के टैग्स क्या है, मेरी वीडियो के टैग्स क्या है, उसमें से कौन से वाले टैग्स मेरे रैंक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे शुभम टेकी गिव अवे का जो टैग है अभी रैंक कर रहा है #1 पे, ट्रेंडिंग पे है, और ये जो शुभम टेकी ये भी रैंक कर रहा है। यहाँ पे हेडफोन्स गिव अवे 2028 29 नंबर पे रैंक कर। तो इस तरीके से आप किसी भी चैनल पे जाके देख सकते कि उन्होंने कीवर्ड्स कौन से यूज किए, चैनल पे टैग्स कौन से यूज किए, बाद में वीडियो की रैंकिंग क्या है, वीडियो में ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो बाद में आप जाके देख सकते कि वीडियो का SEO स्कोर क्या है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा कि SEO की मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसकी मदद से ही मैंने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक ग्रो कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वाला एक्सटेंशन आता है प्रिंट फ्रेंडली एंड PDF नाम का, जो कि बहुत ही यूजफुल है। सपोज मैंने देख यहाँ पे PDF ओपन करके रखा, अगर आप चाहते कि इसमें से आप कोई टेक्स्ट कॉपी करो तो आप यहाँ से कैसे करते हो, फिलहाल बस ऐसे कॉपी करते हो। अगर आपको ये वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए बीच में तो क्या करोगे, तो फिलहाल उसके लिए देखिए यह प्रिंट PDF, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, यानी यहाँ से आप ये एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे तो इसे कर दीजिए डिलीट, अगर ये वाली चीज़ भी नहीं चाहिए तो इसे भी कर दीजिए डिलीट, इसे भी कर दीजिए डिलीट, इसे भी। तो इस तरीके से आप जो यूज़फुल कंटेंट नहीं है, जो आप नहीं रखना चाहते, तो उसके लिए अब आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, बाद में इसे प्रिंट करा सकते हो, यानी PDF के फॉर्म में भी सेव कर सकते हो। ये वाला एक्सटेंशन बहुत ही यूज़फुल है। बाद में नेक्स्ट वाला एक्सटेंशन आता है कीवर्ड्स एवरीवेयर नाम का। तो कीवर्ड्स एवरीवेयर बहुत ही यूज़फुल है। सपोज मैं जाता हूँ अभी गूगल टैब पे, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, और मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे इफेक्टिव वेज बता रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लास्ट 30 डेज सिलेक्ट करके रखा है मैंने। लास्ट 30 डेज में ये वाले कीवर्ड बहुत ही यूज़फुल है, जैसे कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल हिंदी, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल 2020, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल फ्रॉम ज़ीरो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यानी कौन से कीवर्ड्स लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, और आप नीचे भी देख सकते हैं पीपल ऑल्सो मे सर्च जे कि यूट्यूब टिप्स फॉर बिगिनर्स। तो यानी आप ऐसे यूट्यूब वीडियो में ये सब चीज़ें यूज़ करके आपके चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन है। तो बाद में नेक्स्ट वाला एक्सटेंशन आता है TubeBuddy। तो TubeBuddy भी सिमिलर हमारे vidIQ की तरह ही है। तो ये भी कैसे काम करता मैं चलो बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं TubeBuddy से वीडियो एनालिटिक्स बता रहा कि पिछले कुछ दिनों में व्यूज कितने आए, कमेंट्स कितने आए, लाइक डिसलाइक, बाद में सजेस्टेड वीडियो, बाद में रैंक क्या कर रहा है, SEO कोर क्या है, मेरे चैनल का व्यूज कितने आ रहे, टोटल मेरे सब्सक्राइबर कितने, यानी ये सभी चीजें वीडियो एनालिटिक्स कर सकता विद द हेल्प ऑफ हमारे vidIQ एक्सटेंशन से। तो आप इसे भी जरूर कर दीजिए क्रोम टैब में। बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है हमारा ड्रिफ्ट वीडियो। तो ड्रिफ्ट वीडियो क्या करता है, अगर आप क्या कर रहे हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप कुछ चीजें यानी रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ चीजें आप रिकॉर्ड करके बता रहे हो कि ये वाली चीजें एक्सप्लेन करके बता रहे हो कि ये वाली चीज ऐसे होती, ये वाली चीज वैसे होती, तो उसके लिए बस यहाँ पे आप रिकॉर्ड पे टैप कर दीजिए। रिकॉर्ड पे टैप करते आपको पूछेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाले फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नीचे वीडियोस भी प्ले हो रहा है, और यहाँ पे सभी स्क्रीन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगी और एक्चुअल में आपका जो फेस है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये भी बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है। तो बाद में नेक्स्ट वाला एक्सटेंशन आता है हमारा पेज मार्कर। तो पेज मार्कर भी बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है, तो मैं बताता हूँ आपको ये वाला कैसे। तो नेक्स्ट वाला एक्सटेंशन आता है हमारा पेज मार्कर। तो पेज मार्कर पे सपोज आप कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हो, यानी कुछ चीज़ें बता रहे हो कि ये वाली चीज़ ऐसे वर्क करती, वो वाली चीज ऐसे वर्क करती, तो बस आप इसे कर दीजिए ऑन। और यहाँ पे आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल मैं रेडी रहने देता हूँ। यहाँ से साइज, बाद में इरेजर, पॉइंटर की साइज में ये वाली कमी रखता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मुझे बताना हो कि आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है सोनी के हेडफोन्स गिव अवे में, तो आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ें आपको यानी ऐसी मार्क करके बता सकते हो। यहाँ से आप वीडियो एनालिटिक्स देख सकते हो, यहाँ से वीडियो के सब्सक्राइबर देख सकते, यानी ऐसी चीज़ें, और यहाँ से आप कीवर्ड देख सकते, यानी चीज़ें मार्क करके आप यानी कुछ एरोस की मदद से, कुछ राउंड अप्स के, कुछ स्क्वायर की मदद से आप सभी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बाद में नेक्स्ट वाला एक्सटेंशन आता है जो कि हमारा एग्रो प्लस नाम का। ये तो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर सपोज आप एग्रो प्लस ओपन करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज आपको कुछ आपका यूट्यूब चैनल पे कुछ पोस्ट हो, अगर वो
आपको अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बस पोस्ट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे बस ऐसे ऐसे अकाउंट ऑलरेडी ऐड करके रखे। तो मैंने कोई भी अकाउंट ऐड नहीं किए, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर का सभी के अकाउंट ऐड कर सकते हो। बस अकाउंट पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप पब्लिश यानी कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हो, लाइसेंस यानी प्लेलिस्ट, बहुत सारी चीज़ें, टैग्स वगैरह, और बस आप उसे कर दीजिए नेक्स्ट, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम पेज पे हो या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा पोस्ट। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन आता है हमारा जो कि है लास्ट पास नाम का। तो लास्ट पास आप देख सकते हो कि ये कैसे यूजफुल होता है। सपोज आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई फ्रेंड की मदद ले रहे हो, वो जो फ्रेंड है आपसे कुछ दूर है, आप एक अलग सिटी में हो, वो एक अलग सिटी में हो, अगर आप उसे क्या चाहते हो कि वो आपकी वीडियो यूट्यूब में वीडियो के लिए कुछ हेल्प कर दे आपकी, और आप क्या चाहते हो कि वो आपका पासवर्ड भी ना देखे, ओके अब वो आपका पासवर्ड भी ना देखे, यानी उसे आप बिना पासवर्ड बताए एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड बताओगे और वो उस पासवर्ड की मदद से लॉगिन पर कर पाएगा। यानी आप क्या करोगे, आपका पासवर्ड भी उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और वो लॉगिन भी कर पाएगा और वो कुछ आपकी हेल्प कर देगा आपकी यूट्यूब वीडियो में ले लिया कोई भी चीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे पासवर्ड जनरेट होता है, यानी अपर केस, लोअर केस, एंड बहुत सारी बिना पासवर्ड बताए कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म में आप उसे हेल्प कर सकते हो, ओके वो आपको हेल्प करेगा, आई एम सॉरी। बाद में नेक्स्ट एक्सटेंशन आता है हमारा फायरशॉट नाम का। तो फायरशॉट में देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपको किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो, जैसे कि कैप्चर सिलेक्शन, कैप्चर विजिबल पार्ट, कैप्चर एंटायर पेज, तो देख सकते हो आप, ये बहुत ही ईजी एक एक्सटेंशन है। चलो मैं एक कैप्चर सिलेक्शन करता हूँ और मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाली विंडो में सिर्फ कर दूँ यहाँ पे कट, और ये मैंने कर दी कट, और आप यहाँ पे देख सकते हो आप इसको कर सकते हो सेव, तो सेव यानी एज इमेज और PDF, तो ये भी बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन है। तो बाद में नेक्स्ट वाला एक्सटेंशन आता है हमारा ग्रामरली। तो ग्रामरली तो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि अगर आपसे कुछ आप यूट्यूब पेज पे यानी यूट्यूब वीडियो पे कुछ चीज़ें डाल रहे हो, यूट्यूब पे ले लो, या किसी को एक ईमेल लिख रहे हो, तो ईमेल लिखते समय आप क्या होता है, बहुत ही ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है आपसे, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती, तो वही मिस्टेक्स अगर आपको कुछ रिकवर करनी हो तो कैसे, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया हाउ कैन आई डू वर्क, तो देख सकते हैं आप, यानी एक यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही नीचे, ये जो मैंने सेंटेंस टाइप किया है गलत तरीके से टाइप किया, बस आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से सिलेक्ट हाउ, और यहाँ पे दिखा आई डू वर्क, तो देख सकते हैं हाउ कैन आई डू वर्क, तो ये एक सेंटेंस यानी जो रेक्टिफाइड हो गया, यानी फिल्टर होके आपका सेंटेंस जो गलत था उसे इसने कर दिया है राइट। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो कुछ यूजफुल लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।